बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई सैर हरुन किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हमने इसमें क्या क्या लिया है। यहाँ मैंने 200 ग्राम मूंग की दाल ली है और इस मूंग की दाल को मैंने एक गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। यहाँ मैंने इसे साफ़ कर लिया है बिल्कुल और देख लिया है इसमें कोई तिनका या कोई कंकड़ तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है, ड्राई फ्रूट्स में थोड़े से बादाम लिए हैं, इलायची पाउडर लिया है, ये 5 इलायची का बीज निकाल कर पाउडर बना लिया है, थोड़े से यहाँ काजू लिए हैं और यहाँ मैंने 100 ग्राम खोआ लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है, और यहाँ मैंने 150 ग्राम चीनी ली है, और ये लिया है मैंने यहाँ पर मीठा इत्र जो लखनऊ में स्वीट डिश में ज़्यादातर डाला जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ देसी घी लिया है और 300 ग्राम करीब हमने ये मलाईदार दूध लिया है। तो देसी घी हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक हैवी बॉटम पैन रख दिया है, तो लेट्स गो। यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है, ये मैंने नॉन स्टिक पैन रखा है ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। तो इसमें हम ये दाल ऐड कर देते हैं और दाल को हमें थोड़ा सा कलर ये चेंज हो जाए तब तक के लिए हमें इसे ऐसे ही रोस्ट करना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं। इसे कम से कम रोस्ट होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे, तब तक आप इसे बिल्कुल चलाते रहें। मूंग दाल का हलवा जब भी आप बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें जो फ्लेम है वो लो ही रखें। अगर फ्लेम हमने थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये जल जाएगा और बिल्कुल भी इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो जितना भी प्रोसेस इसमें होगा लास्ट तक वो हम स्लो फ्लेम पर ही करेंगे। दाल का कलर हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है, इसको आप पास से इसे देख सकते हैं। तो अब हम इसे दाल को निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसको दरदरा मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। और जब दाल हमने इसमें से निकाल ली है और अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। और देसी घी ऐड करने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं, तेज़ गर्म नहीं करना है। इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से एक तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छे भी हो जाएंगे और दूसरा हम अगर हलवा रखना भी चाहेंगे तो जब हमारी सारी चीज़ें रोस्ट होंगी तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। हम इसे 15 से 20 दिन तक आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो इसका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्का हल्का रोस्ट करना है। इसी तरह हम खोआ भी हमने रोस्ट कर लिया है ताकि वो भी हमारा लॉन्ग टाइम तक चल जाए, क्योंकि खोए की वजह से ही चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। वैसे भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ये मैं आपको ट्रिक अपनी पहले भी आपको जब मैंने मीठी सेवैयाँ बनाई थी कि मम्मी सेवई उसमें भी दे चुकी हूँ कि खोआ जब भी आप घर में लाएँ तो उसे हल्का सा रोस्ट कर लें, जिससे एक तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और दूसरा अगर हम उसे बच जाता है और रखना चाहें तो हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं 20 से 25 दिन के लिए। तो बस हमें यहाँ इतना ही ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना था तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो दोबारा से हमने पैन गरम कर लिया है और दाल को देखिए हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे और अब हम घी डालकर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। बस ये याद रहे कि गैस का फ्लेम स्लो रहे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहें। तो हम इसमें घी ऐड कर देते हैं और घी ऐड करने के बाद हम इसको भून लेते हैं। दाल तो हमारी पहले से ही भून चुकी है लेकिन अभी हम इसे घी के साथ भूनेंगे। दो मिनट तो हो गए हैं,
भूनते हुए। दाल की सही भुनने की पहचान ये है कि जितना भी हमने इसमें 2 या 3 चम्मच घी डाला है तो जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो घी अपने आप ही ये छोड़ने लगेगी। तो इससे हम समझ जाएंगे कि दाल हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। और गैस का फ्लेम देखिए इस टाइम बिल्कुल स्लो है। तो इसे हम जब तक के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल घी नहीं छोड़ देती। दाल को भूनते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी अच्छी तरह से भुन गई है, इसमें से घी भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसके बाद इसमें जो हमने दूध लिया था मलाईदार वो हम ऐड कर देंगे। सारा ही दूध हमने ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। 1 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है और इसको हम स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे इसमें से आधे हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और आधे हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं। और अब हम इसमें जो हमने खोआ लिया था वो भी हम ऐड कर देंगे। खोआ पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं। जब हम दूध मलाईदार लेंगे तो खोए से बस टेस्ट बढ़ेगा। इसमें से देखिए तेल घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इसमें हम अब चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिए, जो जैसा मीठा खाता है उतनी ही ऐड करें। और उसके बाद हम इसे 2 मिनट तक और पका लेते हैं। तो रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें मीठा इत्र डालेंगे। मीठा इत्र हम किस सिर्फ इसमें 1 ड्रॉप यानी कि ये देखिए सिर्फ 1 ही बूंद हम इसमें डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए इतना ही इसमें बहुत काफ़ी है। तो बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। ये दाल अच्छी तरह से भुन गई थी इसलिए इसका कलर ऐसा आया है और मैंने इसमें अलग से कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। अगर मैं चाहती तो इसमें येलो कलर या कोई और कलर ऐड कर देती, लेकिन ये बिल्कुल रियल बन के तैयार हुआ है। गैस का फ्लेम हम ऑफ करते हैं और इसे डिश ऑफ करके दिखाते हैं। ये कितनी जल्दी और आसानी से तैयार है हमारा मूंग की दाल का हलवा। और ये देखिए इसमें घी भी कितना सेपरेट हो गया है और दाल ने अच्छी तरह से घी छोड़ दिया था क्योंकि भुन चुकी थी अच्छी तरह से। इसे हम फ्रिज में रख देंगे और 15 से 20 दिन तक हम इसे आराम से अच्छी तरह से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।